तो मेरे से इजाज़त नहीं लगा। कार्यरत मारे पास क्या प्रमाण?
नहीं आ जाता, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं बोल रही, क्या?
परंतु काशी में हुए पाप का नाश केवल इस काशी की प्रदक्षिणा से ही संभव है। इसलिए प्रत्येक काशीवासी को प्रतिवर्ष एक बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पर आप लोगों का पाप हो जाता है। पाप इतने हैं कि हम जानते भी नहीं कि सब पाप है। हम जो चावल खाते हैं वो भी किसी पौधे से चीनी के संतान के था। वो तो ठीक रहता था परंतु मैं ये तो मेरे विचार मैं आगे नहीं रहता मेरे साथ आइए, 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 आइ
ये राजपूत के घर चल गया, अगर ये पंडित के घर चल जाता तो पंडित क्या लाता, ये कहा आप भारत में जन्म लेते आप ये कहलाते Thank you.
ولكن
साफ हम बताते हमने बाबू हमारे चर्चा का Thank you.
लोगों की बुराई मेरी बचपन से सहेली मेरी बहन है, तुम्हें इसे इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार? उस वाकई हक जिस काशी के अपराध माता है उसी काशी की मसूर नाच दिला देता है। तुम मुझे पाए बनाने वाली खुशी को और डाकुओं ने हंगामा लगाया।
उसकी जिम्मेदारी आप ले आएगी। What do you mean कि उसकी जिम्मेदारी आप ले आएगी? Yeah yeah, acting से आपका हम सही से बात कर रहे हैं। और देखो किसी ड्रोन ने उन पर हमला किया, उसका जवाब आपको देना होगा। You're absolutely correct, Mr. Mowgli. अरे हुजूर, किसी ने उनका कत्ल कर दिया तो? Yeah yeah yeah, I know that. Please cover your response for him. Okay, यही कहना चाहते हैं आप? और फिर कंपनी आप पर मुकदमा चलाए, आपको सजा होगी, आप वापस खेल के जाएंगे। ओके सॉरी सॉरी, हम से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? ओह जरूर, अब आप मामले की पेचीदगी को समझ रहे हैं। मिस्टर मॉलवे, दिस प्लीज लेट इट सजेस्ट वही कि हम क्या करें। ये हादसा किसने था? मैं फरमान लिख कर लाया, बस आप इसे सारी करा दें। क्या लेकर उसे कल काशी का बच्चा बच्चा जान जाएगा, बस आप इसे जारी करा दें। बस मॉल वही और दैट यू नीड माय सिग्नेचर एंड स्टैम्प आल्सो। जी भाई, आई एम हियर। क्या है जनाब? गुड टू हियर। आयो रशिया द शिप लाइक आयो आयो जारी करा दें। लेट्स गो लेट्स गो। आयो आयो हुजूर। मेरे नाम से कम लेगा, एक एक ही मेरे नाम।
मेरी बात तो सुनिए। मैंने बात की
इधर उधर करने समय नहीं है लेकिन आप जाइए
उसको देखकर शर्मा गए थे अच्छे अच्छे कहा था काशी एक कभी भूल नहीं पाया उसको जो उसने उस दिन बीच बाजार में